हाय फ्रेंड्स एंड यार चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम डिवीजन पर आधारित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने डिवीजन के नियम सीखे, जो उसका कंसेप्ट था वो सीखे और इसके नियम सीखे और ट्रिक सीखे, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन सीखने वाले हैं। तो आप जो है ध्यान से वीडियो को देखिए और सीखिए। आपको कंपटीशन में आने वाले प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, अतः हम वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन जो है डिवीजन में कुछ इस तरह से मिल जाता है, जैसे 5 2 star 2 3 5 में स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी तथा बड़ी से बड़ी संख्या रखी जाए कि यह 3 से विभाज्य हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, एक छोटी से छोटी और एक बड़ी से बड़ी, यानी कि स्टार के जगह पर ऐसी छोटी छोटी संख्या हमें बताना है जो रख दिया जाए तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। एक बार फिर बड़ी से बड़ी संख्या या स्टार पर ऐसी हमें पता करना है जिसको रख देने पर यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो आइए हम चलते हैं सॉल्व करने। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई संख्या 3 से क्यों विभाज्य होती है। ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि कोई संख्या 3 से तभी डिविजिबल होती है जब उसके सभी अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। तो इसके सलूशन के लिए हम इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे, 5 + 2 + 2 + 3 + 5। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका योग आ रहा है 5 2 7 2 9 3 12 5 17। हम देख रहे हैं कि 17 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम सोचेंगे कि इस 17 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दे कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 1 हम ऐड करते हैं अगर, तो यह 1 ले लीजिए इस तरह से 5 5 + 2 + 3 + 2 + 5, ये कितना हो रहा है 5 5 10 2 12 3 15 2 17 हो रहा है। 17 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो ये 18 हो जाएगा, यानी 18 हम देख रहे हैं 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम कहेंगे कि स्टार के जगह पर अगर 1 रख दिया जाए तो ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं हमारा आंसर क्या हो गया, 1। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार पूछा गया है कि बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या रखी जाए, तो बड़ी से बड़ी जब पूछेगा तो फिर उसी तरह हम ऐड करेंगे 5 + 2 + 2 + 3 + 5, ये कितना हो रहा है 17। 17 में हम देख रहे हैं कि अगर 1 जोड़ दिया जाए तो ये 18 हो जाएगा और 18 जो है डिविजिबल है 3 से। तो छोटी से छोटी अगर पूछा तो हम लोग क्या बताएं, 1, लेकिन जब बड़ी से बड़ी पूछेगा तो 1 में हम 3 3 करके तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक एक अंकों की संख्या हमें मिले। जैसे 1 है तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 10 में 2 डिजिट है, 2 डिजिट यहाँ रखने का कोई जगह नहीं है, इसलिए ये कैंसिल कर देंगे। हमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिल गई, 7, अर्थात 7 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो स्टार के जगह पर रख देने से ये संख्या 3 से विभाज्य होगी, अतः हमारा आंसर आ गया 7। तो आप समझ पा रहे हैं ये 7 कैसे आया, पहले छोटी छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे और उसमें 3 3
तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक एक अंक की संख्या मिलती रहे। जब लास्ट में बड़ी संख्या मिल जाएगी वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आपका दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 5, *1, 2 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि यह 9 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो फिर हम एक बार देखेंगे कि कोई संख्या 9 से क्यों डिवाइड होती है। आप डिविजिबिलिटी पढ़ चुके हैं तो हमें पता है कि कोई संख्या 9 से तभी विभाज्य होती है जब उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो इसके लिए हम सारी संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 आपका कितना हो रहा है 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 12, 12, 2, 14। हमें पता है कि 14 9 से विभाज्य नहीं है तो हम सोचना शुरू करेंगे कि 14 में कितना ऐड करें कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो 14 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो ये 18 हो जाएगा और 18 9 से डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। अर्थात स्टार के जगह पर अगर 4 रख दिया जाए तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी। एक बार और देखते हैं 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 12, 2, 14। 14 में सोचिए क्या जोड़े कि यह 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 का 9, 9 दूनी 18 यानी दो बार में 18 हो सकता है और 18 इसको बनाने के लिए हमें 4 जोड़ने की ज़रूरत है इसलिए 18 अब 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि स्टार की जगह पर अगर 4 रख दे तो ये संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये बात याद रखना है कि कोई संख्या 9 से कब विभाज्य होती है तो जब उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि 2354/25 प्लस 3763/125 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आपको ट्रिक सिखाया गया था कि किसी संख्या में 5, 25, 125, 625 से भाग देने के लिए क्रमशः 2, 4, 8, 16 से गुणा करते हैं और क्रमशः 1, 2, 3, 4 स्थान दशमलव लगाते हैं। याद है ये आपको ट्रिक बताया गया है पहले। तो हम जो है इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि 25 से भाग देने के लिए क्या करते हैं 4 से गुणा और 2 अंक दशमलव। 4 से गुणा कीजिए 4 चौके 16 हासिल 1 4 पचे 20 21 हासिल 2 4 3 12 2 14 हासिल 1 4 2 8 1 9 और हाँ इसमें दशमलव लगा दिए 2 स्थान तक। प्लस 125 से भाग देने के लिए 8 से गुणा करते हैं और 3 अंक दशमलव लगाते हैं तो 8 से गुणा कीजिए 3 के 24 8 6 48 और 2 50 हासिल 5 8 7 56 5 61 हासिल 6 8 3 के 24 6 30 दशमलव कितने अंक बाद लगाना है 3 अंक बाद यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए देख रहे हैं इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है इसमें 3 अंक है तो एक जीरो को बढ़ा लेते हैं अपने मन से। अब जोड़ेंगे 4 0 4 0 6 6 हो गया 1 1 2 हो गया दशमलव लग गया 0 4 4 हो गया और 3 9 12 हो गया। आप समझ पा रहे होंगे 124.264 आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस ये ट्रिक याद रखना है कि 5 25 125 625 से भाग देते हैं तो क्रमशः 2 4 8 16 से गुणा करते हैं और क्रमशः 1 2 3 4 स्थान दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइव पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट सिक्स फाइव इंटू 9.5 अपन 0.019 इंटू 1.9 इंटू 0.008। तो आपको याद आ रहा होगा हमने सिखाया था दशमलव संख्याओं का गुणा, दशमलव संख्याओं का भाग। तो दशमलव संख्याओं के भाग में आपको क्या बताए थे याद कीजिए। सबसे पहले बताए थे कि आप सामान्य कैलकुलेशन करेंगे। इसका सामान्य कैलकुलेशन का मतलब कि आप दशमलव देखे बगैर आप जो है कैलकुलेशन इसका करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप बताए थे कि यदि अंश में दशमलव अधिक है हर से, तो जितना स्थान दशमलव अधिक रहेगा अंश में हर से उतना दशमलव हम लगा देते हैं, किंतु यदि हर में दशमलव अधिक है अंश से तो जितने स्थान अधिक रहता है हर में दशमलव उतने संख्या जो परिणाम आएगा उस पर जीरो दाईं तरफ लगाते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये 19 5 95 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा और 13 5 65 हो जाएगा। तो हमारा परिणाम आ गया 5 5 25 7 175। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब दशमलव को गिनेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कि कितने कितने हैं। 1 2 3 4 अंश में कितने दशमलव है, 4। हर में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, हर में 7 दशमलव है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हर में अंश से अधिक दशमलव है, वो भी कितना अधिक है, 3। अतः हम परिणाम पर 3 0 बढ़ा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 175,000। तो अब आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। ओके, अर्थात कह रहा है कि 4 अंक की ऐसी संख्या हमको दीजिए जो सबसे बड़ी हो और 17 से विभाज्य हो रही हो। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। तो आपको पता है 4 अंक की बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है, 4 बार 9 लिखने से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो जाती है। अब जो है इसमें हम 17 से डिवाइड करेंगे सामान्य जैसे करते हैं। देखिए 17 5 85, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 1। फिर 17 से भाग देंगे 17 8 136। आप देख रहे हैं यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर आपका 1 बचेगा और ये आपका कट गया, ऊपर से फिर 9 उतरा तो 17 8 136। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, ये तो सब कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इन इसके पास जो है हम कुछ भी अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये 5 अंक की संख्या बन जाएगी। इससे सिद्ध हो रहा है कि इसमें हम कुछ जोड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन घटा सकते हैं। तो ये 3 जो है इसके पास एक्स्ट्रा है, शेष बन जा रहा है, रिमाइंडर बच जा रहा है। अतः यह 3 अगर इसमें से हटा दिया जाए तो ऐसी संख्या मिलेगी हमें जो 17 से डिविजिबल होगी। इसलिए 9 9 9 9 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो रिमाइंडर आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 9 9 9।
इस तरह से 9,996 हम लोग ऐसी संख्या पता कर लिए जो चार अंकों की सबसे बड़ी है और 17 से पूर्णतः विभाज्य है। तो जब इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे तो सबसे पहले जितने अंक का कहेगा बड़ी संख्या लिखेंगे, जिसे डिविजिबल कहेगा उससे भाग देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से घटा देने से हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पांच अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि बड़ी से बड़ी पूछा था, इसमें पूछ रहा है कि पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो इसके लिए हम पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले लिखेंगे। जैसे पांच अंक की छोटी संख्या कैसे लिखा जाता है, तो 1 लिखकर 40, अगर 7 अंक की छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिख के 60 उसमें लिखते हैं, और इसमें भी हम 13 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। पिछले क्वेश्चन की बात, 13 7 91, ठीक है, यहाँ पर 9 बचेगा। अब देख रहे हैं 13 6 78, ये 78 हो गया, तो यहाँ 2 और यहाँ पर 1, अब ऊपर से 0 फिर उतारेंगे। तो आप देखिए यहीं पर ध्यान देने की बात है कि जब छोटी से छोटी पूछा रहेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट में जो डिवाइड करेंगे वो जानबूझकर हम एक बार अधिक डिवीजन इसमें करेंगे। जैसे देखिए 120 में 13 से भाग जा रहा है, 13 9 117 जा रहा है ना 117, तो हम जानबूझकर इसमें जो है 13 9 17 एक बार और ले जा रहे हैं 117, तो क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। अब हम देख रहे हैं कि 13 से 3 में भाग नहीं जाएगा, 0 बार जा सकता है, तो लास्ट में हम जानबूझकर एक बार अधिक बार ले जाते हैं। जैसे 13 से 3 में 0 बार जा रहा है डिवाइड, तो हम एक बार ले जाएंगे एक बार अधिक, 13 1 13। अब देख रहे हैं नीचे जो है अधिक हो गया और ऊपर ही कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब नीचे से ही ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे। 13 में से 3 गया, क्या हो गया, 10। अर्थात अगर इस संख्या में 10 को मिला दिया जाए तो ये संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी। क्यों इसमें जोड़ने की बात हो रहा है, क्योंकि अगर इस संख्या में से मात्र एक भी अगर घटा देंगे तो ये 4 अंक की संख्या बन जाएगी, जबकि हमें 5 अंक की संख्या चाहिए। इसलिए जब छोटी से छोटी पूछेगा तो ये क्लियर कर लेना चाहिए कि हमारा रिजल्ट जो है इस संख्या में कुछ जोड़ कर आ सकता है लेकिन घटा कर नहीं। आज जब बड़ी से बड़ी पूछता था तो घटा कर ला सकते थे लेकिन जोड़ कर नहीं। इसलिए हम इस 10000 में इस 10 को ले जा कर के ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 10010। यह 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो इसमें क्या सीखे कि हम सामान्य भाग देंगे जैसे देते हैं, लास्ट में जानबूझकर एक बार अधिक डिवीजन ले जाना है, और नीचे से ही ऊपर की संख्या सब्ट्रैक्ट करके जो चीज़ आएगा उसको संख्या में ऐड कर देने से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया 10010, ये 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखिए ये जो है क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको समझना है, समझने में टाइम लगेगा लेकिन हल करना बहुत ही आसान और कम समय में कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है, किसी संख्या में 6 8 5 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 3 5 2 शेष बचते हैं, यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो क्रमशः क्या शेष बचेंगे। इसका मीनिंग देखिए, उत्तरोत्तर भाग का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब यह है कि किसी संख्या में पहले 6 से भाग दिया गया होगा तो रिमाइंडर बचा होगा 3, लेकिन कुछ बार तो इसमें भाग गया होगा, कोटिएंट यानी कि भागफल आया होगा,
तो उत्तरोत्तर भाग का मतलब होता है कि अब दूसरी संख्या से अब इसके भागफल में भाग दिया जाता है, अर्थात तो y में 8 से अब भागा देंगे तो फिर जो है रिमाइंडर बचा होगा 5, और कुछ बार फिर भाग गया होगा, कोटियंट कुछ आया होगा भागफल, अब फिर पुनः भागफल में भाग दिया होगा किससे, 5 से, तो लास्ट में रिमाइंडर आया होगा 2, आप देख रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से ये उत्तरोत्तर भाग को परिभाषित किया जाता है। उत्तरोत्तर भाग का मतलब समझ गए कि पहली बार संख्या में भागा और दूसरी तीसरी चौथी बार अब उसके भागफल में भाग देने को कहते हैं उत्तरोत्तर भाग। तो यही प्रक्रिया आप कह रहा है कि यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, यानी पहले ही अब अगर हम इधर देखिए विभाजकों क्रम उलटने का मतलब जो 6 8 5 था वो अब 5 8 6 करना पड़ेगा, यानी पहले ही कह रहा है कि अगर 5 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, तब 8 से भागा दे तो क्या शेष बचेगा, और तब जो है 6 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। समझ गए इस क्वेश्चन का अर्थ, समझ गए होंगे आप कि कह क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट और ट्रिक दोनों है, पहले कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कंसेप्ट करने के लिए आपको इस तरह सोचना पड़ेगा, माना वो संख्या एक्स है, इसमें 6 से भागा दिया गया तो रिमाइंडर बचा आपका 3, वाई बार मैं सपोज दैट डिवीजन गया, अब इस वाई में डिवाइड किया गया किससे, 8 से, तो रिमाइंडर बचा आपका 5। सपोज दैट फिर जेड बार इसमें डिवीजन गया होगा और जेड में अब डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर क्या बचा, 2। अब यहीं पर ये लास्ट में जो यहाँ पर कोटियंट है, भागफल है, आपको अपनी मर्जी से 1 लिख देना है, आपकी इच्छा, आप चाहें तो अदर संख्या भी लिख सकते हैं लेकिन सबसे सुटेबल 1 है, 1 लिख लीजिएगा। अब हम जेड को पता करेंगे, तो आपको पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो देखिए 5 1 जा 5 और प्लस 2 7, जेड पता लग गया। अब हम जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हम वाई पता कर सकते हैं, कैसे देखिए, 8 7 56 और 5 61। अब हम 61 का मान यहाँ पर वाई के जगह पर अगर रख दें तो हम फिर अब एक्स पता कर सकते हैं आसानी से, कैसे, तो 6 गुणे 61 यानी 6 कम 6 6 6 का 36 और प्लस ये जो है रिमाइंडर जोड़ देंगे तो 369 69 हो जाएगा। अर्थात हम संख्या पता कर लिए कि वह संख्या 369 थी। तो अब हम 369 में क्रमशः 5 8 6 से भागा देकर आराम से शेष जो है पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं, 369 369 में हम भागा दें अब 5 से, तो 5 विभाजक को क्रम उलटना है ना, तो वही उलट रहा हूँ, 5 7 35 1 19, 5 3 15, शेष क्या बच गया, 4, यानी आपका पहला रिमाइंडर आ गया 4, आपके आंसर में दे रहा होगा। अब हम 73 में भाग देंगे इसमें किससे, 8 से, तो 8 9 72 आपका 1, दूसरा रिमाइंडर 1 आ गया। अब 9 में भाग किससे देंगे हम, 6 से, 6 1 जा 6, आपका यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया, 3, इस तरह से आपका आंसर आ गया 4 1 3। तो ऐसा ही कंसेप्ट चीज आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसको ट्रिक पर एक बार करने का प्लान बनाते हैं हम लोग। अगर ऐसे सवाल को ट्रिक पर करना है तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ऐसे 1 2 3, जितनी बार डिवीजन किया होगा उतना जो है पार्ट बनाइएगा और यहाँ लिखिए, देखिए 6, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3, इधर रिमाइंडर लिखिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ 8, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5, यहाँ लिख रहा हूँ अब 5, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है, 2, ऐसे लिख लेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा और यहाँ हमेशा लिख दीजिएगा 1, यानी जो काम पीछे हम कंसेप्ट किए उसी को एक जगह छोटी सी जगह में इसको डेकोरेट करने की व्यवस्था कर रहा हूँ। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया जाता है, यहाँ प्लस का, यहाँ गुणा का, यहाँ प्लस का, ठीक है, इसी तरह यहाँ गुणा का चिन्ह और यहाँ प्लस का, और ऐसे चलना है, देखिए ऐसे 5 5 1 5 2 7, अब चलिए 8 7 56 और 5 61, इसी तरह 6 गुणे 61 प्लस 3
369 69। देखे कितना आसानी से वो संख्या हम ढूंढ लिए, 369 69। अब इसमें आराम से विभाजकों का क्रम उलट कर भाग दे लीजिएगा, जैसे 5 7 35, 1 5 15, 4 आपका रिमाइंडर आ गया। अब इस 75 में फिर भाग दे लीजिएगा किससे, 8 से, तो 8 9 72, ठीक है, ये 73 है सॉरी, तो 8 9 72, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1। अब 9 में भाग दे लेंगे हम 6 से, 6 1 6, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। इस तरह से 4 1 3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से मिलता है, इसमें किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, यदि उसी संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 48 शेष बचता है। मान लीजिए वो संख्या x है, तो कह रहा है कि उसी संख्या में अगर 15 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो इस सवाल को कंसेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ कोटिएंट अपने मन से 1 लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम x को फाइंड कर सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, 135 1 जा 135, अब प्लस शेष 48, तो हमारा आ जाएगा 8 5 13, 4 3 7 1 8, ठीक है, और ये 1, हमारा संख्या क्या मिल गया, 183। तो अगर x के जगह पर 183 रख दें तो क्या हम 15 से भाग देकर शेष नहीं पता कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। आइए करते हैं, 15 1 1 15, तो ये 3 हो गया, 33, 15 2 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 3, अर्थात हमारा आंसर आ गया 3। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ट्रिक पकड़ना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ऐसे पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को जब करना होगा तो इसी स्ट्रक्चर में लिखकर इस 15 से रिमाइंडर में ही भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15 3 45, शेष क्या बच रहा है, 3। तो इतना आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भाग के क्वेश्चन कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। अगर सारी ट्रिक आपके पास है तो मैथ लगाना बहुत ही आसान है। तो आइए इस लास्ट क्वेश्चन को भी हम देखने का प्रयास करते हैं और सीखेंगे। कह रहा है कि संख्या 94,748 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 9 4 7 4 8, कह रहा है कि संख्या में कौन सी छोटी छोटी जो संख्या जोड़ दिया जाए कि 12 से विभाज्य हो जाए। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप क्या कीजिएगा कि जिससे डिविजिबिलिटी चेक करना है उससे आप भाग देना शुरू कर दीजिएगा। याद रखिएगा क्या बोला है, कम से कम क्या जोड़ा जाए, ठीक है। तो चलिए इसमें भाग देंगे 12 7 84, आपका कितना बचेगा, 10, 12 8 96, ठीक है, कितना बचेगा आपका, 11। अब यहाँ 4, 12 9 108, कितना बचेगा, 6, ऊपर से उतरेगा 8। अब कितनी बार देखिए, ध्यान से देखिए, लास्ट में 68 नीचे आया हुआ है ना, अब हमें 12 से 68 में भाग देना, अब कोई संख्या उतारना भी नहीं है। तो लास्ट में क्या करेंगे कि जितनी बार डिविजिबल इसमें हो रहा होगा उसे एक बार अधिक डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए 12 5 60, 5 बार जा रहा है तो हम 6 बार ले जाएंगे, 6 1 72, जानबूझकर एक बार अधिक बार ले जाएंगे और देखेंगे कि नीचे अधिक हो गया ऊपर कम, तो नीचे से ही ऊपर घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4, 1 कट गया।
अर्थात चार जो है अगर इस संख्या में जोड़ दी जाए तो ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इस तरह से आप अपना आंसर प्राप्त कर लिए 4। तो आशा है इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से आप कर सकते हैं। जब जो है इस तरह क्वेश्चन मिले तो हम डिवाइड करेंगे सामान्य रूप से, लास्ट में एक बार अधिक ले जाएंगे जानबूझकर, और नीचे से ऊपर घटा करके जो संख्या आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा, ये भाग के क्वेश्चन कैसे आपको लगे, ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि कैसा जो है क्वेश्चन आपको लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही फिर मिलने वाले हैं, देखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अधिक लोगों के पास पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।